हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आपका भाई रोहित सिंह, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बलेनो। ये है बलेनो का ओल्ड मॉडल और ये है बलेनो का न्यू मॉडल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या दोनों में से कौन सा बेटर है और वैल्यू फॉर दी मनी कौन सा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है 2021 मॉडल और ये जो है न्यू 2022 मॉडल। फ्रंट लुक की बात करें तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा बल्की फील होने वाला है, थोड़ा सा चौड़ा भी ज़्यादा लग रहा है और लुक भी वो ये है। इसका आप ग्रिल व्रिल देखिए, थोड़ा सा बड़ा है इससे, ये देखिए। और इसमें अगर बात करूँ तो ये देखिए, ग्रिल आपको छोटा सा मिलता है। तो फ्रंट लुक में काफ़ी ये बेहतरीन लगता है नया वाला 2021 के मुकाबले। साइड लुक की बात करते हैं, साइड लुक में आपको उतना कोई फ़र्क नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा इसका देखिए लाइट जो बढ़ा है ये आपको दिखने वाला है, अलॉय व्हील जो चेंज है वो। और पीछे में जो है थोड़ा सा आपको कर्व टाइप का देखने मिलेगा, मतलब कटिंग टाइप का, ये आप देख सकते हैं। ये सब जो डिज़ाइन है, ये सब जो कट है आपको, ये सब आपको जो है देखने के लिए मिलेगा साइड लुक से। और साइड में इसका बात करें तो ये आपको प्लेन मिलेगा, ये देखिए साइड लुक में ये आपको प्लेन मिलता है, ये देखिए। तो साइड लुक में भी 2022 ज़्यादा अच्छा लगता है। बैक की बात करें तो बैक में ये देखिए, बैक में ये आपको थोड़ा सा बल्किनेस ज़्यादा मिलने वाला है पुराना वाला में, बट नया वाला का जो लुक है वो काफ़ी बेटर है पुराने वाले से। दोनों में आपको 11 इसमें आपको 1145 सीसी आता है और इसमें आपको 1149 आता है। तो इंजन परफॉर्मेंस वाइज तो दोनों सेम ही है लगभग, थोड़ा सा अंतर है। इंटीरियर की बात करें तो आइए देखते हैं। ये जो है आपका 2021 मॉडल है, तो इसमें आप देख सकते हैं इंटीरियर। ये आपका जेटा वर्जन है, मतलब टॉप मॉडल से एक नीचे, जो कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। इसका आप इन्फॉर्मेंस क्लस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डोर ओपन है ये सब आपको दिखता है सारा चीज। आपको स्क्रीन भी मिल जाता है जहाँ जिसका कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सारा। यहाँ पर आपको गियर मिल जाता है, ये हो गया हैंड ब्रेक। बात करें न्यू वाला का तो न्यू वाला देख सकते हैं, ये न्यू वाला का आप देख सकते हैं फ्यूब जैसा आता है स्टीयरिंग। स्क्रीन भी काफ़ी बड़ा आता है। ये आप देख सकते हैं ऑन करने के बाद जो इसमें डिस्प्ले है कुछ ऐसा आता है। अरे भाई, यहाँ भी देख सकते हैं आपको 2021 मॉडल से ज्यादा स्पेस वगैरह मिलता है। ये ऑटोमेटिक वर्जन में आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कलर बस अलग है, उसमें आपको ब्लू मिलता है, इसमें आपको डार्क ब्राउन मिलता है, जो कि आपको काफी अच्छा ये लुक देता है। यहाँ आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको बाकी का कंट्रोल मिल जाता है। एसयूडी ऑन करने का ऑप्शन, एसी वेंट वगैरह भी काफ़ी न्यू लुक में आया है। यहाँ पर आपको एक हम टाइप का मिलता है और यहाँ पर आपको एक स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई कप होल्डर यहाँ पर मिलता है फ़ोन वोन रखने के लिए। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है और ये आपको केबल मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ बात करें तो हैंड रेस्ट के पास आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है। यहाँ पर आपको स्पीकर वगैरह का ये फंक्शन मिल जाता है, ये ट्विटर नीचे में स्पीकर। गेट में आपको पियानो ब्लैक फिनिश का आता है और इसका जो सीट है वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर जो आपको कुशनिंग मिलता है ये काफ़ी बहुत अच्छा है, एकदम पैक पैक लगेगा। बात करें बैक का तो बैक में भी देख सकते हैं आप, बैक में ये पहले जैसा ही है, बस यहाँ पर आपको लेदर फिनिश जो कि
इसे आप नेपोलियन ब्लू कह सकते हैं इस कलर में, और ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। बाकी ये चीज़ पहले जैसा ही है सेम। इस रो में आपको कोई भी पॉकेट होल्डर नहीं मिलता है सीट के पीछे, और जो सीट है वो आपको फैब्रिक का मिलता है, लेदर नहीं मिलता है, जो कि ये भी अच्छा क्वालिटी का है। यहाँ पर आपको एक एसी वेंट मिलता है, दो चार्जिंग पॉइंट मिलता है, और एक नीचे छोटा सा स्पेस रखने के लिए, और इसमें आपको सीट के नीचे पॉकेट होल्डर मिल जाता है। पीछे से कुछ लुक ऐसा देखने में लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लग्जरी फील लगता है। इसमें आपको जो लाइट में है वो आपको हेलोजन ही मिलता है। बाकी जो बूट स्पेस है वो आपको सेम मिल, बूट स्पेस आपको यहीं सेम मिलता है। तो ओवरऑल जो है 2020 मॉडल ज़्यादा बेटर है 2021 से, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इम्प्रूव किया है। मतलब नया के नाम पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंज नहीं है, बहुत चेंज है। तो मुझे तो ये वैल्यू फॉर मनी लगा, बस इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है जो कि बाकी ऑप्शन भी देखने के लिए मजबूर कर देता है। बाकी ओवरऑल मुझे गाड़ी का जो लुक है अंदर बाहर दोनों से बहुत अच्छा लगा, अलॉय व्हील वगैरह भी। और इसमें आपको जो टायर मिलते हैं वो अपोलो के मिलते हैं, जिसका आपका साइज है 195/55 और R16। स्पीकर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो यही था इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।